मध्य प्रदेश में हुए नगरीय निकाय में मिली कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस पार्टी में आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए हैं। निकाय चुनाव में मिली हार के बाद अब प्रदेश कांग्रेस की खेमेबाजी और अंतर्कला अब खुलकर सामने आने लगी है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व विधायक ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कद्दावर नेता अरुण यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अरुण यादव भ्रष्टराज बन चुके हैं। विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि अरुण यादव को कुछ समझ नहीं आ रहा है, जैसे उनको दुर्योधन नजर आता था वैसे ही उनको अजय रघुवंशी नजर आता है। 2009 से पहले संगठन मजबूत था कि वे खुद चुनाव जीत गए थे। जब से अरुण यादव ने मोर्चा संभाला है प्रदेश कांग्रेस को हार मिली है। बता दें कि बुरहानपुर में एक निजी होटल में जीते हुए पार्षदों के लिए स्वागत सम्मान कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान नेताओं ने जमकर भड़ास निकाली। कार्यक्रम में राजनारायण सिंह पुन्नी, विधायक सुरेंद्र सिंह सेरा, पूर्व विधायक हमीद काजी के सामने कांग्रेस के पूर्व विधायक रविंद्र महाजन ने अपने ही नेता को सीख देते हुए कहा कि आंखें खोलिए, कांग्रेस को खत्म मत करिए, आपके पिताजी ने कांग्रेस को बहुत मजबूत करके रखा है, आप भी अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चल के कांग्रेस को मजबूत करिए।